अब से हमने एक चीज डिसाइड करी कि भाई हम स्टार्टिंग में वीडियो में कोई भी इंट्रोडक्शन वगैरह नहीं दिया करेंगे, स्ट्रेट अवे हम डायरेक्टली भाई वीडियो को स्टार्ट कर दिया करेंगे, जिससे आपका थोड़ा बहुत टाइम भाई बच जाए और कम आपका टाइम बर्बाद हो। ठीक है, आज हम देख रहे हैं भाई आपको टियागो नहीं टियोर सीएनजी में, और वो भी टाटा टियोर का भाई टॉप एंड वेरियंट एग्जेड प्लस सीएनजी। ठीक है, हर एक चीज़ के बारे में इस गाड़ी के बारे में डिस्कस करेंगे भाई, क्या क्या हो मिलता है इसमें, क्या नहीं मिलता, हर एक चीज़ तो बताऊंगा ही साथ ही भाई, साथ ही आपको भाई ये भी बताऊंगा गाड़ी कितना एवरेज देती है, कैसी मतलब परफॉर्मेंस है और किस तरह की सिटी में भाई परफॉर्म करती है। देखो भाई, इस तरह की गाड़ी लोग इसीलिए लेते हैं, उन्हें एवरेज वगैरह थोड़ा अच्छा चाहिए होता है। ठीक है, दूसरी बात की भाई उनकी रनिंग थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो उसी चीज़ को कवर करने के लिए लोग पेट्रोल ना लेकर सीएनजी ले लेते हैं या फिर ईवी पर चले जाते हैं, क्योंकि अगर गाड़ी में सीएनजी होती है तो भाई रनिंग कॉस्ट भी आपकी कम हो जाती है। अगर आप 100 किलोमीटर से ज़्यादा डेली ड्राइव करते हो तो आपको सीएनजी ही प्रेफर करनी चाहिए या फिर अपना ईवी। और देखो सबसे अच्छी बात इसमें क्या है कि भाई दोनों के ही फायदा होता है भाई, इन्वायरमेंट का भी और दूसरा अपना मालिक का भी। यहाँ से अनलॉक हो जाती है, अनलॉक भी करेंगे बाद में, पहले चलते हैं भाई गाड़ी पे, आगे इस देखते हैं इस गाड़ी में क्या आपको ऑफर करती है। देखो अगर डायमेंशंस की बात करूँ तो सब 4 मीटर के अंदर ही आपकी गाड़ी आती है, 3993 इसकी लेंथ है। फ्रंट से अगर बात करें भाई, यहाँ पर आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प के साथ साथ नीचे अपने भाई DRL और यहाँ पर फोग लैम्प भी देखने के लिए मिल जाते हैं, मतलब फ्रंट में आपको भाई अच्छा खासा यहाँ पर लाइट का सेटअप देखने के लिए मिल जाता है। और अपने देखो क्रोम वगैरह का भी थोड़ा बहुत काम फ्रंट ग्रिल पर मिलता है, और ट्राई एरो डिज़ाइन के साथ आपकी ग्रिल यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, और नीचे भी आपको भाई 2 स्ट्रिप मिल जाते हैं क्रोम की, और 165mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस भी गाड़ी ऑफर कर देती है, 165 से 70 के बीच में। ठीक है, क्योंकि सीएनजी पर है ना भाई, इस वजह से वेरी करता है थोड़ा बहुत। बाकी अगर साइड में आते हैं एक बार लुक वगैरह यहाँ से देखो किस तरह की लगती है, अगर इसके इधर की बात करें आपको लगेगा भाई ये अलॉय व्हील है, 14 इंच के यहाँ पर टायर मिल रहा है, लेकिन भाई ये अलॉय व्हील नहीं है, ये स्टाइल्ड रिम यहाँ पर आपको देखने को मिलता है अपोलो के टायर के साथ। और जैसे हम इधर आते हैं यहाँ पर आपको भाई ब्लैक पियानो फिनिश में यहाँ पर आपको ORVM देखने को मिलता है, साथ में इंटीग्रेटेड इंडिकेटर भी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। बाकी देखो लाइन लेंथ वगैरह मैंने आपको बताई दी, एक बार गाड़ी में अंदर चल रहे हैं, यहाँ पर आपको कीलेस एंट्री ऑफर करी जाती है, और जैसे आप डोर खोलते हो तो यहाँ पर आपको भाई ड्यूअल टोन इंटीरियर मिलता है, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम अच्छा लगता है देखने में। यहाँ पर ORVM इलेक्ट्रॉनिकली आप एडजस्ट कर सकते हो उस गाड़ी के, यहाँ पर आपको भाई चारों पार विंडो, और भाई यहाँ पर देखो हल्का सा सॉफ्ट टच भी देखने के लिए मिलता है, बाकी हर जगह आपको हार्ड प्लास्टिक की ऑफर करी जाती है, बस यहीं पर आपको सॉफ्ट टच मिल रहा है। ठीक है, नीचे की अगर बात करें यहाँ पर आपको भाई बॉटल होल्डर वगैरह मिल जाता है, यहाँ पर आप आराम से अपनी बॉटल वगैरह रख सकते हो, इधर आपको स्पीकर वगैरह ऑफर करा जाता है। ठीक है, इधर की अगर बात करें यहाँ पर आपको भाई हाइट एडजस्टमेंट सीट में ऑफर करा जा रहा है, तो ये भी एक शानदार और बहुत ही नेसेसरी फीचर आपको कहने के मिल जाता है, तो ये भी इसमें भाई आपका देखने के लिए मिलता है। इसमें भाई एग्जेड प्लस में आपका लेदराइट सीट का भी ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, पर ये आपका नॉर्मल एग्जेड प्लस स्किनजी वेरियंट है, यहाँ पर आपको भाई क्रोम फिनिश में ये भी देखने के लिए मिलता है, और यहाँ नीचे आप भाई थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है, आप कुछ भी रख सकते हो, अपना वॉलेट वगैरह भी रख सकते हो, डीप है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर आपको हुड ओपनिंग के लिए लिवर भी देखने के लिए मिल जाता है, तो ये सारी चीज़ें इस गाड़ी में यहाँ पर ऑफर करी जा रही हैं। अगर भाई गाड़ी में अंदर हम आते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो हम भाई यहाँ पर यही नोटिस करते हैं कि यहाँ पर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको ऑफर करा जा रहा है, बाकी मस्त स्टेयरिंग वगैरह डीकट थोड़ा सा स्लाइड स्टेयरिंग मिलता है, स्पेस वगैरह भी डिसेंट है, और भाई इसमें अपना म्यूजिक सिस्टम वगैरह भी सभी चीज़ यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती हैं। आपको इसमें क्रूज कंट्रोल ऑफर नहीं करा जाता, लेकिन आपको इसमें भाई म्यूजिक सिस्टम के स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, बीच में अपना टाटा का लोगो, और साथ में वही भाई बेसिक चीज़ अपना 2 स्टैंडर्ड एयरबैग भी गाड़ी ऑफर कर देती है, इधर की साइड आपको खाली ये देखने के लिए मिलता है, बाकी हॉर्न वगैरह आप भाई कहीं से बजा सकते हो, बीच में अपने टाटा के लोगो से भी बजा सकते हो, और ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा बेसिक सी बन गई भाई, डिकट स्टेयरिंग तो लगभग सभी कंपनियां देने लगती हैं, जिससे अपना थोड़ा बहुत स्पेस नीचे आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। अब आते हैं भाई यहाँ पर आपकी MID की अगर बात करें, यहाँ पर आपको फुल्ली डिजिटल यहाँ पर MID देखने के लिए मिलती है, साथ में आपके भाई वार्निंग लाइट्स वगैरह भी इसी पर देखने के लिए मिलते हैं, यहाँ पर आपको कोई भी लेदर कवर यहाँ पर नहीं स्टेयरिंग पर देखने के लिए मिलता, तो ये भी एक चीज़ यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर भाई ट्विटर वगैरह तो बहुत ही गाड़ी में देखने के लिए मिलते हैं, बहुत से मेरा मतलब है भाई 4 इसमें स्पीकर के साथ साथ आपको 4 ट्विटर भी ऑफर करे जाते हैं, तो साउंड क्वालिटी आप इमेजिन कर सकते हो किस तरह की आपको मिलने यहाँ पर वाली है। ठीक है, आपको हारमन का सिस्टम भी यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, और जब आप इसे यहाँ पर चलाते हो ना भाई गाड़ी को, तो यहाँ पर आपको RPM भी प्रॉपर शो होते हैं कि इतने RPM पर गाड़ी चल रही है, और काफ़ी सारा डिजिटल मीटर थोड़ा सा अच्छा ही लगता है देखने में जब हमको एग्जैक्ट स्पीड दिख रही होती है। बाकी अगर इधर की बात करें, यहाँ पर आपको ब्लैक पियानो फिनिश में इस इवेंट मिलता है, साथ में अपना बीच में 1000 लाइट का बटन भी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। नीचे की अगर बात करें, यहाँ पर आपको भाई इसमें 7 इंच टच स्क्रीन सिस्टम देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और साथ ही आपको भाई इस गाड़ी में एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले जैसे फीचर भी देखने के लिए मिल जाते हैं। किसी वजह से चल नहीं रहा है भाई, देखो गाड़ी में यहाँ पर शोरूम में खड़ी हुई ना, डाउन हो जाती है बैटरी वगैरह, और नीचे यहाँ पर आपको भाई कुछ कंट्रोल्स वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं, अपना हुड वगैरह ओपन करने का और अपने CNG पे चेंज करने का, और बाकी आपके हेडलाइट वगैरह के भी यहाँ पर 1-2 बटन देखने के लिए मिल जाता है। नीचे की अगर बात करें, यहाँ पर आपको भाई ऑटोमेटिक AC आपको ऑफर करा जाता है,
और ये आपको भाई ब्लैक क्रोम में पैनल बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, डिफोगर वगैरह सभी चीज़ के बटन यहाँ पर मिल जाते हैं। और जैसे ही हम नीचे आते हैं यहाँ पर आपको एक यूएसबी सॉकेट देखने के लिए मिलता है, ठीक है, यहाँ पर आपको यूएसबी पोर्ट मिल जाता है, इधर आपको 12 वोल्ट सॉकेट भी यहाँ पर ऑफर कर जाता है। चाबी देख लो भाई किस तरह की यहाँ पर मिलती है, प्रॉपर आपको वही सफारी और हैरियर वाली यहाँ पर चाबी मिल जाती है, बहुत ही प्रीमियम लगती है देखने में, आपको दिख ही रहा होगा। चार बटन इस पे भाई मिलते हैं, लॉक अनलॉक और अपने एक फॉलो मी हेडलैम्प, और चौथा बटन मिल जाता है आपका भाई बूट वगैरह ओपन करने का। और यहाँ पर आपको इस गाड़ी में भाई 5-speed मैनुअल गियरबॉक्स देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अगर ऑटोमेटिक की बात करें तो सीएनजी में आपको ऑटोमेटिक ऑफर नहीं करा जाता है। यहाँ पर अपना दो बोतल होल्डर देखने के लिए मिलते हैं, इनमें आप छोटी बोतल रख सकते हो, आपको दिख रहा होगा, बड़ी बोतल यहाँ पर शायद नहीं आ पाएगी, बाकी आप एक बार रख के देख सकते हो भाई। हैंड ब्रेक वगैरह मिल जाता है, यहाँ पर भी एक 12 वोल्ट सॉकेट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पर आर्म रेस्ट मुझे मिसिंग लगा भाई, हो सकता था तो वो एक चीज़ बेहतर हो जाती। बाकी अगर इधर की बात करें तो यहाँ पर आपको क्रोम फिनिश में एसी वेंट मिलता है, नीचे यहाँ पर आपको काफ़ी बड़ा ग्लव बॉक्स भी गाड़ी में देखने के लिए मिल जाता है। और अपना जैसे हम ऊपर की साइड आते हैं, यहाँ पर आपको भाई वैनिटी मिरर वगैरह ऑफर करा जा रहा है, बढ़िया चीज़ है ये भी, ये आपको भाई मैनुअल ही देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर भी थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होता है, ऑटोमेटिक होता है बेहतर होता है। इधर भी आपको भाई दोनों ही साइड आपको यहाँ पर वैनिटी मिरर भी देखने के लिए मिल जाता है, तो ये बेहतर एक चीज़ है। आओ भाई आगे से तो देख लिया, अब चलते हैं गाड़ी में पीछे, पीछे भी देख लेते हैं क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता, मतलब कितना स्पेस वगैरह कितना है और बाकी सारी चीज़ें प्रैक्टिकली देख लेंगे। पहले ये भाई क्रोम का काम देखो, ये डोर हैंडल्स पर अच्छा सा लगता है देखने में, मतलब पूरे ना देकर थोड़ा सा काम दे रखा है क्रोम का, तो ये थोड़ा सा यूनिक है। इधर की अगर बात करें भाई, वही ड्यूल टोन इंटीरियर, यहाँ पर क्रोम फिनिश में ये देखने के लिए मिल जाता है सिल्वर में, और बाकी अपने भाई पावर विंडो वगैरह और बोतल होल्डर की जगह भी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। और डोर काफ़ी मस्त सा लगता है देखने में, यहाँ पर छोटा सा ये क्वार्टर ग्लास कह लो कुछ भी कह लो ये देखने के लिए मिलता है। और जैसे ही हम गाड़ी में अंदर बैठते हैं तो स्पेस वगैरह की कमी भाई नहीं मुझे लग रही गाड़ी में, डिसेंट स्पेस है, ठीक है, टियागो से थोड़ी बड़ी मतलब लगती है लेकिन है नहीं, वो अलग बात है। और बाकी यहाँ पर पीछे वाले फिक्स आपको हेडरेस्ट देखने के मिलते हैं, यहाँ पर बीच में आपको भाई कप होल्डर भी यहाँ पर देखने के मिल जाते हैं आर्मरेस्ट के साथ, तो ये एक चीज़ होगी। बाकी पीछे देखो यही चीज़ें होती हैं, ऊपर अपना लाइट वगैरह मिल जाती है और अपने यहाँ पर ग्रैब हैंडल्स वगैरह भी देखने के लिए अपना मिल जाता है। अब एक बार पीछे से और देख लेते हैं, असली चीज़ तो गाड़ी में भाई पीछे लगी हुई है, उसे भी मैं ओपन कर देता हूँ, सीएनजी वगैरह भी दिखा देता हूँ आपको कहाँ पे लगती है कहाँ पे नहीं लगती। यहीं से आप इसे खोलो, ठीक है, अगर आपको सीएनजी डलवानी है अंदर बैठे बैठे खोल दो और अपने पीछे जाकर आप उस चीज़ को चेकआउट कर सकते हो। एक बार ऐसा लुक वगैरह पीछे वाली टेल लाइट वगैरह की देख लो, एलईडी यहाँ पर भाई टेल लाइट ऑफर करी जा रही है, तो ये भी मस्त लगते हैं देखने में, थोड़ा सा यूनिक डिज़ाइन है। यहाँ पर आपको भाई सीएनजी की बैजिंग मिल जाती है, अपना क्रोम फिनिश यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है, पीछे यहाँ पर टिगोर आपको लिखा हुआ मिल जाता है टाटा के लोगों के साथ, और यहाँ पर आपको भाई रियर में कैमरा भी ओवर करा जाता है, तो ये भी चीज़ यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, हर एक नेसेसरी चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी भाई इस गाड़ी में, ठीक है। नीचे यहाँ पर आपको भाई रिफ्लेक्टर वगैरह भी देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पर भी क्रोम का थोड़ा बहुत काम देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। अब आपको मैं एक मैं चीज़ दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर पहले देख लो भाई, सीएनजी का स्टिकर मिलता है और अपने डिफोगर वगैरह मिल जाते हैं, वाइपर वगैरह भाई इस तरह की सेडान गाड़ियों में नहीं होता मोस्टली, और यहाँ पर आपको भाई ब्रेक लाइट भी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसे आप हाई माउंट स्टॉप लैंप भी कहते हो, ठीक है। एक बार भाई सीएनजी भी देख लेते हैं किस तरह की यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। अंदर देखो भाई, पहले बात तो आप फिटमेंट एक बार देखो, यहाँ पर चेकआउट करो कि इधर की साइड यहाँ पर आपको सीएनजी का भाई ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, प्रॉपर यहाँ पर फ्रेम है और अच्छा खासा भाई आपको 60 लीटर का यहाँ पर टैंक मिल रहा है देखने के लिए सीएनजी का, अपना व्हाइट कलर का टैंक मिलता है प्रॉपर, और फिटमेंट वगैरह बहुत ही शानदार यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, ठीक है। और भाई मारुति की तरह गलती नहीं करी, यहीं पर आपको देखो पीछे से ही मतलब ऊपर उठा के लगा रखा है, जिससे आप स्टपनी वगैरह आराम से यहाँ से आप निकाल सको, तो ये भी एक चीज़ है। अपना नीचे भी आप थोड़ा बहुत यहाँ पर सामान वगैरह रख सकते हो अगर आप रखना चाहो तो, टूल किट वगैरह सभी चीज़ मिल जाती है। और एक और चीज़ देखो यहाँ पर भाई, हाइड्रोलिक स्ट्रट्स आपके देखने के लिए मिलते हैं, वो बाहर देखने के लिए मिल रहे हैं, जिससे आपका बूट पूरी तरह से भाई खुल जाए। इस समझदारी वाले काम भी भाई टाटा देखो करने लग गया, बहुत समझदार भाई कार मेकर है मैं तो कहूँगा। इधर की अगर बात करें भाई, यहीं पर आपको सीएनजी का फिलिंग कैप देखने के लिए मिलता है, मारुति की तरह नहीं भाई कि बाहर दे रहा है स्विफ्ट वगैरह में, पेट्रोल सीएनजी दोनों यहीं पर आपको देखने के लिए मिलता है, डलवाना है तो यहीं से आप डलवा लो। और अपने भाई अपने सेंसर वगैरह भी यहाँ पर देखो ये देखने के लिए मिल जाता है। और इस गाड़ी में आपको भाई सेफ्टी के साथ साथ ग्लोबल एंड कैप में 4-star रेटिंग है गाड़ी को, और साथ में आपको भाई अच्छा खासा एवरेज भी देखने के लिए मिलता है, सीएनजी पर 27 के आसपास कंपनी क्लेम करती है। तो बाकी गाड़ी में भाई 1.2 लीटर इंजन आता है, जो आपकी 72 BHP पावर निकालता है, 95 Nm का टॉप निकाल देता है, 3-cylinder इंजन है, ठीक है। तो गाड़ी यार कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लिया करो भाई, ठीक है। बहुत लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, बाकी आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।